तो हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस मेरे फ़ोन के बारे में जिसके साथ मैंने लगभग 3 साल बिता चुका हूँ और इसको मैंने सेकेंड हैंड में लिया था गाइस। और ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी पीछे से कभी भी खुल जाएगा गाइस। आपको इतने अच्छे से नहीं दिख रहा लेकिन ये कभी भी खुल जाएगा, मुझे पता है। ये देखिए गाइस, बट ये फ़ोन को मैंने लिया था गाइस 10,000 रुपये में और मैंने इसको पूरा पैसा वसूल कर दिया। ये है शायद ऑनर 8X या फिर 8 या ऐसा कुछ तो है गाइस इस फ़ोन का नाम। और मुझे ऑनर के फ़ोन काफ़ी पसंद है बिकॉज़ मेरा एक दोस्त था, उसने ऑनर के फ़ोन्स लिए थे और मुझे एक बार बोला था कि ऑनर के फ़ोन्स काफ़ी सही क्वालिटी के रहते हैं। तो मैंने ये फ़ोन लिया गाइस, तब से मुझे ये फ़ोन काफ़ी पसंद है। इसका बैक पैनल जो है गाइस वो पूरा ऑलमोस्ट ख़राब हो गया है। थैंक गॉड कि इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो अभी भी चल रहा है, बट इसका कैमरा और फ्लैश लाइट पीछे का जो है गाइस वो पूरा चले गया है। और इसकी बैटरी फुल गई है तो फिर वो खुलते रहता है गाइस। ब्राइटनेस वीटनेस में कोई सीन नहीं है गाइस इसका, बट ज़्यादा धूप में चले जाते हैं तो इसका ब्राइटनेस इतना भी ज़्यादा नहीं है। तो इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे ऐप्स डाउनलोड करके रखे हैं गाइस। इसका जो वेरिएंट है वो है 4GB रैम और 128GB की मेमोरी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन पूरा भरा हुआ है गाइस, मतलब ऑलमोस्ट मैंने ऐसे 7 फोल्डर्स बना के रखे जिसमें बहुत सारे ऐप्स है, 10-10, 5-5, 15-15 किसी फोल्डर में। तो गाइस ये देखिए, और ये फ़ोन कभी भी लैग नहीं होता गाइस। और इसको जब से मैंने इस फ़ोन को ख़रीदा है गाइस, इसको मैं हमेशा क्या बोलते हैं पावर सेविंग पे यूज़ करता हूँ और इसको मैंने आज तक कभी भी फुल परफॉर्मेंस पे यूज़ नहीं किया है। हमेशा इसको मैंने लो परफॉर्मेंस पे यूज़ किया है क्योंकि मैं कभी भी कोई गेम नहीं खेलता हूँ गाइस अपने मोबाइल में, बहुत रेयरली कोई गेम खेलता हूँ। ये देखिए गाइस कितने सारे ऐप्स हैं इसके अंदर। इसकी बैटरी लाइफ भी काफ़ी डिसेंट है, मुझे कभी परेशान नहीं करती है गाइस। इसका सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है कि इसका माइक्रोफोन काफ़ी सही है गाइस, और ये फ़ोन काफ़ी सही है, स्मूथ है गाइस। और मैंने इसको गेमिंग के लिए कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है बट फिर भी, और मैंने इसको रिकॉर्डिंग के लिए ज़्यादा यूज़ किया है। इसका कैमरा काफ़ी सही था, जब भी था वीडियो सही नहीं थे डिसेंट। इस मोबाइल पे कितने सारे डेंट्स है गाइस, यहाँ पे एक नैनो सिम कार्ड का स्लॉट है जिसमें 2 सिम कार्ड जाते हैं, एक मेमोरी कार्ड भी चले जाता है, नीचे नॉर्मल USB टाइप भी, और एक स्पीकर है जो कि डिसेंट है, एक माइक है और एक ऑक्स है, ऑक्स या फिर 3.5 mm जैक के लिए पोर्ट है गाइस। ये देखिए, ये पूरा तबाही मच चुकी है गाइस। इस फ़ोन को मैंने कम से कम मेरे हिसाब से गाइस 300 बार तो गिराया होगा, 300 बार तो गिराया ही होगा गाइस। ये देखिए पूरे फ़ोन में डेंट ही डेंट है। इस फ़ोन में 2 माइक्रोफोन्स है गाइस, एक नीचे और एक ऊपर, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे गाइस, राइट हैंड साइड पे गाइस लॉक करने का बटन है और वॉल्यूम रॉकर है। तो इसका फिंगरप्रिंट काफ़ी सही चल रहा है गाइस और काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। ऑनर फ़ोन का मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है गाइस कि वो हमेशा आपके अपने यूज़र इंटरफेस पे काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। तो गाइस ये है B-Spot नाम का ऐप जो कि मेरे फ्रेंड का है, और प्लीज़ इसको फटाफट डाउनलोड करो गाइस और सबको डाउनलोड करने लगाओ। इसके अंदर आपको सारे ब्रांड्स के नॉलेज मिलेगी और आप इसके अंदर आपका अकाउंट बना के आप जो जो ब्रांड्स यूज़ करते हो उन्हें टैग भी कर सकते हो, उससे काफ़ी अच्छी ब्रांड्स की कम्युनिटी बन जाएगी गाइस, और हमें भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, मेरे फ्रेंड को भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी गाइस। और वो ऐप आप फ्यूचर में कभी ना कभी डाउनलोड तो करने ही वाले हो, क्योंकि आपके फ़ोन में अगर B-Spot नहीं है तो आपका फ़ोन स्मार्टफोन नहीं है गाइस। और मेरे पास ये जो फ़ोन है वो स्मार्ट है, इसके लिए इसमें भी B-Spot है गाइस। तो ये फ़ोन मुझे काफ़ी सही लगता है। देखिए गाइस इसका 4GB रैम है, 128GB इसका इंटरनल स्टोरेज है, इसका रेजोल्यूशन काफ़ी सही है गाइस, 180 से ज़्यादा ऊपर है गाइस, बट मैं इसको हमेशा लो रेजोल्यूशन पे ही यूज़ करता हूँ। इसके अंदर जो एंड्रॉयड वर्जन था वो भी आपने देख लिया होगा। तो गाइस मैं बोल रहा था कि जैसे कि इसका पीछे का कैमरा और वो सब ख़राब हो चुका है वो मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए गाइस, ये तो पूरा, अगर किसी दिन किसी का मन करे तो डायरेक्ट खोल सकता है गाइस और अंदर के सारे कंपोनेंट्स देख सकता है। ये बैटरी फुल जाने की वजह से ये इशू हुआ है गाइस, और आप देख सकते हैं कि मोबाइल देखिए कितना गिरा हुआ है, बाजू से आप देख सकते हो सब डेंट से। ये सब फैक्टर्स की वजह से शायद बैटरी फुल गई या फिर मैं ओवरनाइट चार्जिंग करता हूँ, वो मेरा एक्चुअली हर इन जनरल प्रॉब्लम है गाइस, तो मुझे वो सॉल्व करना है। बाकी मुझे ये फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती गाइस। ये देखिए सिर्फ इसका पीछे का कैमरा चलता है, आगे का जैसे ही हम लोग दबाएंगे वैसे ही ये फ़ोन बोलता है अरे भाई चाहिए क्या, है ही नहीं। देखिए गाइस फिर से फ़ोन गाइस आगे का कैमरा चालू ही नहीं करता है, उसे लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ये उसके लिए बस एक अतीत है।